सुभाष ने, वेंगलकर ने, और एक राजनीतिक पार्टी बनाकर अपनी गतिविधियां प्रारंभ की। स्वाभाविक रूप से संघ का अधिकारी किसी भी राजनीतिक दल का पदाधिकारी नहीं हो सकता, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कोई उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के विरुद्ध काम नहीं किया गया। जो एक संघ का डिसिप्लिन है उसको सुभाष वेंगलकर भी अच्छी तरह से समझते हैं और संघ के भी सब लोग अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे ही उन्होंने एक राजनीतिक दल शुरू करके उसके पदाधिकारी के रूप में काम किया तो स्वाभाविक रूप से उनके संघ के दायित्व से हटना और ये आवश्यक हो गया था। इसलिए उनकी जो और कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द गोवा है, फॉर द नेशन है, फॉर द संघ है, वो पहले भी सम्मानजनक थी, आज भी सम्मानजनक हैं। संघ ने उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस का आदर करते हुए डिसिप्लिन को लागू किया है। जो सामना के लोग हैं या अन्य लोग हैं जो इसको भड़का कर और कुछ गलत मैसेज देना चाहते हैं, उन्होंने संघ के डिसिप्लिन को समझना चाहिए, समझेंगे तो लगता है कोई विवाद नहीं होगा। इसलिए सुभाष वेंगलकर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन वह अभिनंदनीय है, और उनका राजनीतिक दल बनाना और उसके पदाधिकारी बनने के कारण संघ से उनका बाहर जाना भी उतना ही अनुशासन प्रिय है।